हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं MCQs चैप्टर वाइज, यानी FSC के स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए चैप्टर वाइज MCQs की डिस्कशन, जो कि आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। आज मैं चैप्टर नंबर 1 यानी सेकंड ईयर 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स के MCQs पे बात करूंगा। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखें ताकि बात जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहला MCQ जो हमारे पास है आज, वो है लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, बी अ फंक्शन देन y इज कॉल्ड। हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि x से y में है और पूछा गया है कि y क्या कहलाएगा, यानी y इज कॉल्ड व्हाट? रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन एंड नन ऑफ दिस। तो अक्सर इसमें स्टूडेंट को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि डोमेन और रेंज, तो इसलिए मैं पहले फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं। फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, यहां हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान हम फंक्शन को बोलते हैं, ये f है फ्रॉम x टू y। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, यानी x के जो पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं, सपोज a b c d, और यहां हमारे पास है e f g h। सपोज ये इस पे मैप कर रहा है, ये मैपिंग यहां जा रही है, ये मैपिंग हो रही है, और यहां इस तरह की कुछ मैपिंग्स हो रही हैं। अब ये हमारे पास जब कोई फंक्शन होता है तो उसमें ये जो सेट हमारे पास होता है, पहला सेट, ये डोमेन का सेट कहलाता है, और इस तरफ जो हमारे पास सेट होता है, नॉर्मली हम इसको रेंज का सेट बोलते हैं, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि वो एलिमेंट्स जो मैपिंग में यूज हो रहे हैं, यानी जिनका कोई प्री इमेज मौजूद है, यानी अगर मैं आपके सामने बात करूं ए ई बी ई सी एफ और डी जी, सी एफ डी जी। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए ई बी ई सी एफ एंड डी जी, तो वो एलिमेंट्स जो के ई एफ और जी, यानी वो एलिमेंट्स जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद है या जिनका कोई जो है इमेज बन रहा है, कोई ना कोई मैपिंग के अंदर यूज हो रहे हैं, वो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी रेंज कहलाएंगे। और ये जो पूरा का पूरा सेट होगा, यानी वाई सेट, इस वाई सेट के अंदर ई एफ जी एच सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स का कंप्लीट सेट वाई जो है ये कहलाता है कोडोमेन। और इसमें रेंज सिर्फ वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कोई प्री इमेज मौजूद हो, यानी ई का भी प्री इमेज मौजूद है, एफ का भी प्री इमेज मौजूद है, जी का भी हमारे पास प्री इमेज मौजूद है, तो वो एलिमेंट्स रेंज कहलाएंगे जो मैपिंग के अंदर यूज हुए हैं। जो एलिमेंट यूं कह लें सादा अल्फाज में कि जो एलिमेंट यूज नहीं हो रहा वो भी मिला के, और सारा सेट सेट जो कंप्लीट सेट है ये आपका सेट जो है क्या कहलाता है, कोडोमेन। देन वाई इज कॉल्ड कोडोमेन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं हम। तो स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड MCQ है, द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन पासेस थ्रू विच क्वाड्रेंट, यानी आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस क्वाड्रेंट से पास करता है। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ एंड ओनली फर्स्ट। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास होता है y इज इक्वल टू x, यानी ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों सेम हो जाए। तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा जिसमें x और y की वैल्यू सेम होगी, वो कुछ इस तरह होता है कि ये जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को जो बाइसेक्ट करेगा, ये है हमारे पास ग्राफ। तो आइडेंटिटी फंक्शन, चूंकि देखें इस पूरे फंक्शन पे आप जहां मर्जी कोई वैल्यू कंसीडर कर लें, सपोज मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं तो ये पॉइंट बनता है 1 1, ये पॉइंट बनता है सपोज 2 2, तो यहां इस पूरी लाइन पे x और y दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो आइडेंटिटी फंक्शन की तो इक्वेशन यही है कि y इज इक्वल टू x। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आ रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट बनता है -1 -1, यानी x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो वैल्यू तो सेम ही हुई ना। तो थ्रू आउट दिस लाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y विल रिमेन द सेम। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन विच इज पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड
थर्ड क्वाड्रेंट. सो आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन पासिस थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. चले जी नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं. तो स्टूडेंट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैन नॉट बी पैरेलल टू. यानी कांस्टेंट फंक्शन इनमें से किसके पैरेलल नहीं हो सकता, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल लाइन के, या वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो के. तो कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी वाई इज इक्वल टू सी. अब y is equal to some constant is a line which is parallel to x-axis. यानी y is equal to c एक ऐसी line होती है जो कि parallel होती है किसके, x-axis के. और अगर मैं आपसे बात करूं तो x is equal to c is a line which is parallel to y-axis. तो constant function y is equal to c ये किसके पैरेलल नहीं हो सकता, ये y एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती. क्योंकि जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सपोज मैं आपके सामने ग्राफ ड्रॉ करता हूं y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 एक ऐसी लाइन बनेगी, एक ऐसी लाइन बनेगी सपोज 1 2, तो y के 2 पे जाके यानी y कंपोनेंट 2 पे जाके आप लाइन ड्रॉ करेंगे किसके, x एक्सिस के. तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी किसके, x एक्सिस के. इसी तरह y is equal to something horizontal line के parallel भी हो सकती है, y plus 2 is equal to 0. तो ये भी असल में एक constant function ही है, ठीक है. तो constant function cannot be parallel to y axis. constant function कभी भी y axis के parallel नहीं हो सकेगा. चलिए जी next question की तरफ चलते हैं. अच्छा जी हमारे पास next question number 4 है, let f of x is equal to x minus 1 over x plus 1 then f into f of x. यहां composition function की बात कर रहे हैं, f of x यानी f into f of x composition function की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास function ये दिया हुआ हो तो composition of f with f यानी f of f किसके बराबर होगा इनमें से. तो ये हमें calculate करना पड़ेगा. composition of two function मैं आपको बता दूं f of g किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है f into g of x. अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देखें और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि आपको इस तरह का कोई भी एमसीक्यू जो है वो डिस्टर्ब ना करे. तो हम कैलकुलेट करेंगे अब f into f of x. तो f into f of x सबसे पहले इस f फंक्शन के लिए ये f फंक्शन ही इनपुट बनेगा. तो f फंक्शन देखते हैं हमारे पास क्या है, वो है x minus 1 over x plus 1. अब दोबारा इसी f function के अंदर x की जगह यही input हमने डालनी है. तो दोबारा जब मैं f function जो लिखा हुआ है वो है x minus 1, तो उसकी जगह हमने यही function डालना है यानी x minus 1 over x plus 1. मैंने आपके सामने जो blanks छोड़ी हैं ये इसी function के अंदर x की जगह ये input आएगी, इसलिए मैंने उनको blanks छोड़ दिया. अब यहां पर यानी x minus 1 over x plus 1, x की जगह आप ये इनपुट डालें क्या बनेगा, x minus 1 over x plus 1, x minus 1 over x plus 1. LCM लेते हैं, ऊपर LCM हमारे पास बनेगा x plus 1, क्या आएगा ऊपर, x minus 1 minus times x minus 1 over, नीचे भी LCM हमारे पास x plus 1 आएगा, तो x minus 1 प्लस टाइम्स प्लस 1 टाइम्स x प्लस 1. ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दें, यहां हमारे पास x कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास 1 कैंसिल हुआ, ऊपर बना माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 ओवर, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में x प्लस x कितना हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर बना माइनस 1 ओवर x. So minus 1 over x is the correct option for this MCQ. So minus 1 over x is the option number A. So option A is the correct answer for this MCQ. चलें जी next की तरफ move करते हैं. Student MCQ number 5 जो हमें दिया गया है वो है if f of x is equal to x square minus 1 over x square then we have to find f of 1 over x is equal to. यानी ये function हो तो हमने f of 1 over x जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी इनपुट में हमने x की बजाय 1 over x को रिप्लेस करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे आंसर को सूट करता है. फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है क्या ये वाकई f of x के बराबर बनेगा या माइनस टाइम्स f of x के या 1 upon f of x
या f inverse of x के, तो ये वैल्यू पुट करके हमें देखना पड़ेगा। आइए हम फंक्शन हमारे पास है f of x is equal to x square minus 1 over x square। अब मैं इनपुट में x की बजाय रिप्लेस करने लगा हूं 1 upon x या 1 over x। f of 1 over x is equal to इसकी जगह पुट होगा 1 over x square minus 1 over, इसकी जगह पुट होगा 1 over x square। ठीक है जी, तो ये x square ऊपर चला जाएगा, ये बना हमारे पास 1 over x square minus x square। अगर इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बनता है हमारे पास x square, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा minus 1 over x square। ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव कर दिया मैंने, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बना दिया। अब अगर ब्रैकेट के अंदर देखा जाए x square minus 1 over x square, ये तो वैल्यू f of x की है, तो इसके अंदर यानी f of 1 over x is equal to ये minus as it is, और ये चीज क्या बन गई हमारे पास f of x। तो हमारा f of 1 over x जो है वो असल में किसके बराबर बना, minus times f of x के equal, और ये option number b जो है ये हमारा answer जो है वो बनता है। So option b is correct for MCQ number 5। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास MCQ नंबर 6 है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f of x is equal to square root of 4 minus x square is, यानी हमने इस फंक्शन की डोमेन बतानी है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है। तो अगर आप लोगों को डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डोमेन एंड रेंज वाली मेरी वीडियो देखें, वहां मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया है हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखी पहले वो वीडियो देखें ताकि ये एमसीक्यू उनको समझ आ सके। तो मैं यहाँ पर रियल लाइन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस फंक्शन की डोमेन क्या है। शॉर्टली मैं बता दूं, डोमेन वो नंबर्स होते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर पुट करने से दो तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। पहला प्रॉब्लम कि फंक्शन को अनडिफाइंड ना करें उस नंबर पे, और दूसरा प्रॉब्लम कि उस पे कॉम्प्लेक्स ना करें। अगर कोई नंबर किसी फंक्शन को किसी नंबर पे अनडिफाइंड या कॉम्प्लेक्स कर दे तो हम उसको डोमेन में से एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो अब देखें, ये हमारे पास फंक्शन है, मैं रियल लाइन पे आपको नंबर्स लेके इसकी डोमेन की जो है वैल्यू समझा देता हूँ। 1, 2, 3 सपोज ये मेरे पास जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक यहाँ से नंबर्स हैं, -1, -2, -3 and -4 एंड अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब देखिए, क्योंकि हमारी जो हमारे पास ये जो फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसकी जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं जीरो से स्टार्ट हूं, मैं अगर इसके अंदर जीरो इनपुट में डालूं तो 4 माइनस x की जगह जीरो पुट करने पे 4 माइनस 0 आंसर 4 आएगा, विच इज वैलिड, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोई ना कोई आंसर आएगा जो कि डिफाइंड नंबर है। तो जीरो इसकी डोमेन में शामिल हो गया। अब इस तरफ मूव करता हूं, 1 पुट करूं तो 4 माइनस 1 आंसर पॉजिटिव आएगा, विच इज वैलिड। और उसके बाद अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, जो कि बाकी एक रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं 2 से थोड़ा सा भी आगे मूव करता हूं, इवन 2.1 पे भी जाता हूं, तो 2.1 का स्क्वायर जो है वो 4 से ग्रेटर हो जाएगा, और जब मैं 4 में से 4 से ग्रेटर नंबर को माइनस करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से आगे मैं नहीं जा सकता। तो 0 से 2 तक यानी इस साइड पे तो ये डोमेन का पोर्शन बना। अब लेफ्ट साइड पे चलते हैं, तो लेफ्ट साइड पे जाते वक्त अगर मैं -1 पुट करूं तो वो वही बिहेवियर शो करेगा जो 1 ने किया था, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा। इसी तरह जब मैं -2 तक आऊंगा तो -2 का स्क्वायर 4, 4 -4 0। तो -2 से पीछे यानी -2.1 की तरफ भी मैं मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर को जनरेट करेगा और नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट कर देगा। इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन बनी वो -2 से 2 तक, यानी -2 से 2 तक जो है वो इसकी डोमेन जो है वो बनती है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो इसमें उसने -2 से 2 तक का जो है वो ऑप्शन उसने नहीं दिया। तो हम इस ऑप्शन को अगर हम चेंज कर दें ऑप्शन नंबर डी को -2 to 2 क्लोज ब्रैकेट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 7 है हमारे पास, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। तो मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि जिन्होंने डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ
वो पहले मेरी वीडियो डोमेन एंड रेंज वाली देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट जो उनको समझ आ सके। तो अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूं तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी डोमेन यानी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की डोमेन वो सिलेक्ट होती है जो इसके अंदर नेगेटिव नंबर को प्रोड्यूस नहीं होने देती। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो भी नंबर प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, -1, -2, -3 एंड अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। तो अगर इसके अंदर जो आंसर मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकता है वो 4 प्रोड्यूस हो सकता है। 4 कैसे प्रोड्यूस होगा कि अगर x की जगह 0 पुट किया जाए, तो 16 - 0 = 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज आंसर इज 4। अब इसकी डोमेन में आप जो नंबर मैक्सिमम बड़ा पुट कर सकते हैं वो है 4 और मिनिमम जो छोटा नंबर पुट कर सकते हैं वो है -4। ना आप 4 से आगे जा सकते हैं ना आप 4 से -4 से पीछे जा सकते हैं। तो 0 पुट करने पे आंसर जो है वो 4 आ रहा है। तो जब मैं 0 के बाद 1 2 3 या मैक्सिमम नंबर आखिरी नंबर जो मेरा डोमेन का है वो अगर मैं पुट करूं 4, तो 16 माइनस या 4 पुट करने पे आंसर 16 बनेगा, 16 - 16 आंसर क्या बनेगा 0। तो आंसर जो मिनिमम बन रहा है हमारी रेंज का वो है 0 और जो मैक्सिमम आंसर बन रहा है हमारी रेंज का वो है 4। तो इसका जो इसकी जो रेंज बनेगी वो बनेगी 0 to 4, यानी 0 भी इंक्लूड होगा और 4 भी हमारी रेंज में इंक्लूड होगा। तो बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू इज बी, यानी 0 to 4 क्लोज ब्रैकेट। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसमें 0 शामिल नहीं है, यानी बाउंड्रीज शामिल नहीं हो रही, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये बाउंड्रीज भी शामिल है, 0 से 4 तक का इंटरवल। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0 to 4। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 - 1 कॉस हाइपरबोलिक 2x एंड 0। तो हमारी बुक में भी ये आइडेंटिटी गिवन है, हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है e^x - e^x - x/2, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है e^x + e^x - x/2। तो अगर आप ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट करें, यानी साइन हाइपरबोलिक की वैल्यूज का स्क्वायर लें, उसके बाद कॉस हाइपरबोलिक वैल्यू लेके उसका स्क्वायर लें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर आप देखेंगे द आंसर विल बी -1। तो इसको आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1। और इसको एज ए आइडेंटिटी भी आप लोग याद कर सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी के तौर पर भी आपको याद रहेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1/(1 - 3x) देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अगर ये फंक्शन हो तो इनमें से कौन सा जो है इस फंक्शन का इनवर्स बनेगा। मैं कन्वेंशनल वे यूज करूंगा इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी 12th स्टैंडर्ड की बुक में भी दिया गया है। तो सबसे पहले आप फंक्शन को y इज इक्वल टू 2x + 1/(1 - 3x), इसके बाद आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी x की वैल्यू को अलग करना है, तो इसको ऊपर ला के मल्टीप्लाई करें, ये इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा y - 3xy = 2x + 1, और x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दें आप तो ये बनती है y - 1 = 2x + 3xy, बाय टेकिंग x एज ए कॉमन 2 + 3y = y - 1। उसके बाद अगर x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की जाए तो x की जो वैल्यू निकलती है ये 2 + 3y, इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा y - 1/(2 + 3y), उसके बाद x, we know that x is actually the f inverse of y which is equal to y - 1/(2 + 3y), after that आप just replace y by x, we'll get the answer, replacing y by x, मैं y को x से सिर्फ replace कर रहा हूँ, f inverse of x will be equal to x - 1/(2 + 3x). x - 1/(2 + 3x) is the correct option. So this is the option number A. A option is actually matching our answer. x - 1/(2 + 3x) 2 + 3x) order change है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, addition is commutative. आप 3x + 2 भी लिख सकते हैं और 2 + 3x भी लिख सकते हैं. So ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस एमसीक्यू। अच्छा स्टूडेंट, हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 10, f(x = x - 1/(x + 1) इज
an dash function. हमने बताना है कि ये even function है या odd function है. तो मैं आपको even और odd function की definition recall करा दूँ. If we replace f of x by minus x, f of x by minus x, if the answer is f of x, the function is even. If we replace f of x by minus x, by putting minus x, the answer, if the answer is f minus times f of x, then the function is odd. और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन ना हो, then the function will never even nor odd. तो ये डेफिनेशन है. तो इसके हम इसी डेफिनेशन से इसको हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है. यानी सिंपली हमने रिप्लेस करना है एक्स को बाय माइनस एक्स, एक्स को बाय माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स. इट विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन ओवर माइनस एक्स प्लस वन. अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया जाए, यानी ऊपर से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो अंदर बनेगा हमारे पास x प्लस वन, और नीचे अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास नीचे माइनस कॉमन से लेने से बनेगा माइनस एक्स माइनस वन. तो देखें, ना तो ये f ऑफ x बना और ना ही माइनस कॉमन निकालने से ये माइनस टाइम्स f ऑफ x बना. तो उन दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं बन रही. तो आप कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड. सो सी ऑप्शन सूट्स आवर एमसीक्यू आवर रिजल्ट. तो एमसीक्यू नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नीदर इवन नॉर ऑड. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी. दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की मैं कंप्लीट सीरीज जो है वो आप लोगों के पास ला रहा हूं. यानी हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की डिस्कशन जो है यहां पर मिलेगी. थैंक यू, हैव अ लुक प्लीज.